नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु अर्गप और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चरण। साथियों, आज ट्रांसफर के ऑर्डर जनरेट होने लगे हैं और यह ट्रांसफर ऑर्डर एम एजुकेशन पोर्टल और साथ में एम शिक्षा मित्र और प्राचार की संकुल प्राचार की लॉग इन आईडी पर जनरेट हो रहा है। तो हम तीनों माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से यह आदेश जनरेट हो रहे हैं। तो जहाँ आज दोपहर में 1 बजे से ऑर्डर जनरेट होने लगे थे, तो आप सभी ने कुछ शिक्षक साथियों ने तो सूची या देख ली, जैसे ट्राइबल की तो इकट्ठी सूचियां डली हैं, लेकिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की अगर देखा जाए तो यहां पर आदेश ही जारी हो रहे हैं, पर्सनली आदेश जारी हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे कैसे, जहां एम शिक्षा मित्र पर कुछ नए अपडेट आए हैं और वहां पर लिख करके भी आ रहा है, आप अपना आदेश डाउनलोड कीजिए तो ये देखेंगे, और साथ में लिंक के माध्यम से भी हम देखेंगे जो हमने लिंक इससे पहले वाले वीडियो में प्रोवाइड कराई थी, तो उसके माध्यम से क्या वो आदेश जनरेट हो रहा है, कैसे करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत। तो साथियों, आप शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी शिक्षक साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली धनतेरस के, और साथ में जिनका ट्रांसफर आदेश जनरेट हो गया या आने वाले हैं। तो साथियों, चलिए अब हम इसे स्क्रीन पर देखते हैं। तो साथियों, अब हम एम शिक्षा मित्र पर देखते हैं किस प्रकार से ट्रांसफ़र ऑर्डर का क्या आइकन आ रहा है, किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर आ गया हूं एम शिक्षा मित्र पर, और एम शिक्षा मित्र पर अगला ऑप्शन यहां पर जाते हैं और राइट हैंड पर जो सबसे 5वें नंबर पर जो हमें दिख रहा है नया अपडेट, ये नया अपडेट ये आइकन दिख रहा है, तो इस पर जा कर के देखते हैं। और यहाँ पर हमें मिला है अपना डिजिटल हस्ताक्षर आदेश डाउनलोड करिए, तो चलिए हम इसे डाउनलोड पर लगाते हैं। डाउनलोड पर लगाने के बाद साथियों ये लिख करके आया डाउनलोड फाइल अगेन डाउनलोड, तो इसे हम देखते हैं एक बार किस प्रकार से यह आदेश डाउनलोड होता है। तो साथियों, यह आदेश जनरेट हुआ है, जैसे कि हमने एम शिक्षा मित्र पर इसे डाउनलोड करके देखा है, 21/10/2022 का आदेश है और जो आदेश जारी हुआ अशोक कुमार जैन प्राथमिक शिक्षक हैं और इनका जो अकोड़ा क्लास 1-8 में थे, और इनका जो ट्रांसफ़र हुआ है भिंड में ट्रांसफ़र हुआ है और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में, तो 1-8 में। तो साथियों, अब हम इसके कुछ दिशा निर्देश देखते हैं, जैसे कि इसमें जो निर्देश दिए हैं इनके लिए हम देखेंगे कि, तो यहाँ पर 8 नंबर वाला जो बिंदु है साथियों, ये सभी के लिए जानना आवश्यक है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस तक वैध रहेगा, इसके पश्चात स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो साथियों, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के सवाल आ रहे थे, क्या यदि उन्हें मनपसंद की जगह पर, जैसे कि बहुत सारी चॉइस फिलिंग की है और मनपसंद जगह पर अगर उनका नहीं होता तो क्या शिक्षक के जाना आवश्यक होगा, तो ऐसा नहीं है, 15 दिन में यह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अब साथियों, यहाँ पर कुछ और बिंदु दिए, हम अगले वीडियो में इसे देखेंगे और साथ में लाइव सेक्शन आज हमारे रात 9 बजे लेकर के आ रहा हूँ, तो उसमें देखेंगे। तो साथियों, यह ऑर्डर जनरेट हुआ है संकुल प्राचार्य की लॉगिन आईडी पर, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है अजय दोहरे, और इनका जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट करेरा से हुआ है और घाटी गांव ग्वालियर के लिए यह ट्रांसफ़र ऑर्डर हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार से ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट होने लगे, धीरे धीरे करके ये सूचियाँ सभी की आती जाएंगी और साथ में आपकी लॉगिन आईडी पर, एम शिक्षा मित्र पर और एजुकेशन पोर्टल पर भी ये सभी ट्रांसफ़र ऑर्डर आते जाएंगे। तो साथियों, अपडेटेड वीडियो को हम लेकर के आ रहे हैं आपको, जैसे जैसे हमें खबर मिलती जा रही है। तो साथियों, मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, साथ में आज हमारे रात 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग में आप जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।